हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मेलोडीज। सो आज मैंने बनाए हैं वेज कबाब, जो कि सोयाबीन से बने हैं। सोया कबाब बहुत ही लजीज एंड यम्मी रेसिपी है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आइए सीखते हैं किस तरह से बनेंगे। सो इसके लिए हमने सबसे पहले बनानी है चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना, 4 से 5 लहसुन के पीस, 4 से 5 हरी मिर्च और 2 टुकड़े अदरक के, और साथ ही थोड़ा सा धनिया। सो ये चीज़ें मैंने चटनी बनाने के लिए ली है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा नमक ऐड करना है। सो मैं आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगा, और देन थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना हमने। सो पहले से थोड़ा सा ग्राइंड करना है, उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करनी है। तो थोड़ा सा दही ऐड करने के बाद में से एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। सो हमारी चटनी जो है गाइस वो रेडी है। भी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसमें हमने क्या किया है, 4-5 से 6 पीसेस हमने लहसुन के, सो 2 से 3 टुकड़े अदरक के, और 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर देनी है जार में, और इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। सो ग्राइंड करने के बाद में हमने क्या करना है, सोयाबीन भिगो के रखी थी हमने ऑलरेडी। सो जो सोयाबीन हमने भिगो के रखी थी पहले से ही, उनको निकाल लेना है, अच्छे से साफ पानी में धो लेना है, और उसको फिर से निचोड़ लेना है अच्छे से। तो सोयाबीन का पानी बिल्कुल निकालने के बाद में हमने इसको इसमें ऐड कर देना है जार में, जिसमें हमने अभी धनिया लहसुन और ये चीज़ें ऐड की थी, और इसको ग्राइंड कर लेना है। तो अच्छे से ग्राइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सोयाबीन इसमें मिक्स हो चुकी है धनिया और लहसुन अदरक। तो इसे निकालने के बाद एक बार हमने चेक करना है इसमें कोई लम्प्स तो नहीं है। देन हमने इसमें बेसन ऐड करना है। सो बेसन हमने जो ऐड करना है, जितना हमारा ये मिक्सचर था सोयाबीन का, उसकी आधी क्वांटिटी में हमने इसमें बेसन ऐड करना है। देन इसमें एक प्याज हमने ऐड करनी है बारीक कटी, और हमने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है कश्मीरी लाल मिर्च, और ऊपर से हमने इसमें नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार। देन थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसका मिक्सचर हमने रेडी कर लेना है। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल है। सो हमने इतना ही ठीक से रखना था। सो अभी हमें सिंपली क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा ठीक ना हो। सो अभी हमने लेनी है पेंसिल, और पेंसिल को लेकर हमने इसे अच्छे से इसे को रोल कर देना है, जैसे कबाब हम सीखते रोल करते हैं उसी तरह से सेम इसको भी रोल कर देना है। हल्का सा हाथ पे पानी लगा लेना है ताकि हाथ पे चिपके ना। सो अभी इसी तरह से हमने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। उसके बाद में हमने क्या करना है, पैन गर्म करना है, फ्लेम को रखना है मीडियम। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, ऑयल और घी या बटर जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो हमने कबाब लगा देने, जितने कबाब आपके पैन पे आते हैं उतने हमने यहाँ पे ऐड कर देने, और इनको हमने सेकना है। सो हमने इनको कंटिन्यूअसली बदलते रहना है, दैट मीन्स इसको पलटते रहना है, पलट पलट के सेकते रहना है। तो हमने इसको चारों तरफ से सेक लेना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए, कच्चापन इसमें ना रहे जरा सा भी। और ये भी देखना है गाइस, ये जले ना, क्योंकि अगर ये जल जाएंगे तो इसमें फिर जो है कड़वापन आएगा, जो कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दैट मीन्स इसको हमने बराबर से सेकना है, ना इसको जलाना है ना ही इसको कच्चा रखना है। तो जब तक गाइस कबाब सीखते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे कबाब है वो ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। सो हमने इसे जरा सा और सेक कर, इसके बाद में हमने इसको निकाल लेना है, सर्व करना है प्लेट में। सो सर्व करने के लिए हमने क्या करना है, कबाब्स को लगाकर थोड़ा से ऑनियन हमने काट के रख देने हैं, ऊपर से थोड़ा सा नींबू हमने इसमें छिड़क देना है, और जरा सा चाट मसाला, और जो चटनी हमने बनाई थी वो हम इसमें सर्व कर देंगे। सो गाइस, रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम, हर हर महादेव। Play dead, will you regret everything that you did?